हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या बोल रहा है इसमें। On comparing the ratio a1 a2 b1 b2 and c1 c2, find out whether the line representing following linear equation intersect at a point are parallel or coincident. हम पढ़े हैं कि हमारे लिए intersecting के लिए क्या होता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2. Parallel के लिए क्या होता है, a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. Coincident के लिए क्या होता है, सब equal होते हैं। Okay? कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है, सारे चीज इक्वल होते हैं। ये हम पढ़े हुए हैं, ये हो गया पैरेलल लाइन के लिए और ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन के लिए। क्लियर है? ये ऐसे लर्न होना सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले में ये किस पे लाइक करेगा। तो a1 क्या है हमारे पास, 5 फर्स्ट वाले के लिए, b1 क्या है हमारे पास, -4, c1 क्या है, 8। तो इतना लिखने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, a1 और b1 को चेक कर लेंगे, -4, और अब a2 और b2 को लिख लो, क्योंकि क्या पता इंटरसेक्टिंग हो तो हमें थर्ड वाले को चेक ही ना करना पड़े। क्लियर है? तो a2 क्या है हमारे पास, 7, और b2 क्या है, 6। तो a1 by a2 equals to b1 by b2 है या नहीं ये देखना है। तो a1 by a2 क्या है, 5 by 7 is equal to by -4 by 6। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 2 2s are 2 3s are, that is -2 by 3 is not equal, this is not equal, मतलब a1 by a2 is not equals to b1 by b2, that means ये किस में आएगा, intersecting वाले part में आएगा। clear है? ये आ गया intersecting में। आते हैं question number 2 के second part में। हमें क्या check करना होता है, a1 by a2 का check करना होता है, b1 by b2 का check करना होता है, और c1 by c2 का check करना होता है, ताकि हम find out कर सकें कि relation क्या है उनके बीच में। तो a1 हमारे पास क्या है, इसमें 9 है, a2 क्या है, 18 है। कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 2 18, मतलब कितना मिल गया ये, 1 by 2। b1 by b2 क्या है, b1 is 2 3 and b2 is 6, 3 1 3 2 2, मतलब ये क्या हो गया, 1 by 2, इसमें equal to मिल गया हमें। ओके, अब c1 by c2 देखें, c1 क्या है, 12 and c2 क्या है, 24, 12 1 and 12 2, ये भी equal to मिल गया। मतलब क्या हो गया हमारे पास, condition क्या fulfill कर रहा है, ये वाला a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, और ये किसके लिए होता है, ये होता है जब हमारी जो लाइन होती है वो, सॉरी दिस इज नॉट लाइन, दिस इज दिस, ये तो मैं रोक दे रही हूँ, दिस इज लाइन, जो लाइन होती है उसमें कोइंसिडेंट करे दूसरी लाइन, तो ये इक्वेशन फॉलो होता है। तो ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग के लिए, और ये किसके लिए हो गया, लाइन के ऊपर लाइन वाले के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ओके, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। फिर से वही चेक करना होता है हमें, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तो a1 by a2 क्या होगा, 6 by 2। ओके, ये कितना हुआ, -3 by -1, ये कितना हुआ, 10 upon 9। तो ये कितना हुआ, 1 जा, और ये 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 3। ये कितना हुआ, -1 is get cancel, मतलब ये भी आ गया 3, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब a1 by a2 is equals to b1 by b2। ओके, देन 10 by 9, this is not equals to 10 by 9. Okay, that means this is not equals to. So this relation is for what? ये relation किसके लिए होता है? ये relation होता है parallel lines के लिए. Okay, तो ये कौन से line हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा parallel line हो जाएगा. Okay. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्पल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।